तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के लोग हैं उनकी मॉब लिंचिंग अभी भी ये 4 जून के बाद मुसलमानों से कहीं ज़्यादा हुई। जितने भी कमज़ोर तबकों के साथ कोई तंजीमी निज़ाम जब तक नहीं बनाया जाएगा, और वो जज्बात पे नहीं होना चाहिए, और वो सिर्फ जबान पे नहीं होना चाहिए, वो काम पे होना चाहिए। आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ 0% भी असर नहीं पड़ता, कोई पार्लियामेंट में स्पीच दे या कोई बहुत बड़ा इज्तिमा कराए। ये घटनाएँ और बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और इनकी सारी तंजीमें इस चीज़ को, इस आस्पेक्ट को, ये हिंसा के जो जो तशद्दुद का जो आस्पेक्ट है इसको बढ़ाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाएंगे, हर तरीके से जुल्म ज्यादती बढ़ेगी। कोई मजबूती से काम करके हिफाजत करने का जरिया निकाला जाए, सिर्फ मैंने बोल दिया, तकरीर कर दी और उससे ज़मीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो हमले आप पे होंगे या हो रहे हैं उससे दिफा करने के लिए आपके पास कुछ सलाहियत हो, किसी भी इलाके में कोई भी परेशानी है तो डरे मत। और मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं डरो मत, हम आके सफे पलट देंगे जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं। ये बात सही है कि मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती में कमी आने का एक कमी आएगी ऐसी उम्मीद मुस्लिम समाज में, मुस्लिम कम्युनिटी में थी कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कमज़ोर करेंगे तो ऐसा अंदेशा उन्हें था, और ये उम्मीद भी थी और ये जायज़ उम्मीद थी, ये कोई बहुत बड़ी नाजायज़ उम्मीद नहीं है। कम से कम इतना ही, फला बहबूद या तरक्की के लिए नहीं तो कम से कम हिफाजत के लिए वोट देना डेमोक्रेटिक राइट भी है। लेकिन मुझे तो कोई हैरानी नहीं है इस बात में, बल्कि अगर मेरे आप पुराने बयान उठा के देखेंगे भी तो भी मैंने यही बोला था कि ये सोल्यूशन नहीं है ये, बल्कि एक और बड़ी प्रॉब्लम को इनविटेशन देने की बात है। अगर कुछ तंजीमी निज़ाम ऐसा नहीं बनाया जाएगा मुस्लिम निज़ाम कैसा, मुस्लिम समाज द्वारा, जिसमें वो दूसरे कमज़ोर तबकों से जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अभी आपने मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग और बुलडोजरों की बात की, अगर आप देखेंगे तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के लोग हैं उनकी मॉब लिंचिंग अभी भी ये 4 जून के बाद मुसलमानों से कहीं ज़्यादा हुई। उनकी उनके ऊपर जो दूसरी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनके जो एक तरीके से हत्या की गई है या कराई गई है, वो मुसलमानों से कहीं ज़्यादा है। और मुझे ये अंदेशा है कि अभी जो 150 से ज़्यादा लोग एक भगदड़ में मरे हैं, इसमें भी मुझे पूरा इस बात का अंदेशा है, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के एक धर्मगुरु थे। और मैं इस तरह के जो धर्मगुरु हाथरस मामले में मामले की बात कर रहा हूँ, और मैं तो बल्कि इस तरह के जो जितने भी धर्मगुरु हैं और इस तरह के रखते हैं उनके खिलाफ ही हूँ, क्योंकि जो धर्म है वो एक पर्सनल मैटर होता है और लोगों को। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो धर्मगुरु थे, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट समाज से आते थे और ये बहुत बड़ा चैलेंज बन रहे थे जो दूसरे धर्मगुरु हैं, जो दूसरे सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं, तो ये उनके खिलाफ साजिश भी हो सकती है और इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन 150 लोग तो एक झटके में, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जितने भी कमज़ोर तबकों के साथ कोई तंजीमी निज़ाम जब तक नहीं बनाया जाएगा, और वो जज्बात पे नहीं होना चाहिए, और वो सिर्फ जबान पे नहीं होना चाहिए, वो काम पे होना चाहिए। आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ 0% भी असर नहीं पड़ता, कोई पार्लियामेंट में स्पीच दे या कोई बहुत बड़ा इज्तिमा कराए। और उसमें आवाज़ उम्मीद तो लगाई ना, लेकिन हाँ उम्मीद लगाई, जिसे उम्मीद लगा रहे थे कि ये कुछ बोलेंगे। देखिए देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मजबूत हो रहा है तो आवाम में कहीं ना कहीं एक अब मायूसी है इस चीज को लेकर, और ये इसके लिए मेरा अंदेशा है, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, मेरा अंदेशा बिल्कुल गलत साबित हो, ये घटनाएं और बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और इनकी सारी तंजीमें इस चीज को, इस आस्पेक्ट को, ये हिंसा के जो जो तशद्दुद का जो आस्पेक्ट है इसको बढ़ाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाएंगे, हर तरीके से जुल्म ज्यादती बढ़ेगी। और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ जो है वो राहुल गांधी साहब से भी ज़्यादा, अखिलेश साहब से भी ज़्यादा, जो लोग मुस्लिम समाज के और शेड्यूल कास्ट समाज के, शेड्यूल ट्राइब का समाज के लोग इन अपोजिशन की पार्टीज में जीत के गए, जो लीडर्स हैं इन पार्टीज के, उन लोगों को अपनी क़यादत को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये काम ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है, और आवाम को भी इन लीडरों के पास जाके इनको मजबूर करना चाहिए कि अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को कन्विंस करें। हाँ, एक
और भी चीज़ है जो हमारी मुस्लिम समाज की तंजीमें हैं, और वो मैं समझता हूँ कि सब समाजों से ज़्यादा जो कमज़ोर तबके हैं मुस्लिम समाज की तंजीमें फाइनेंशियली और निज़ामी तौर पर सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो उनको भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और कुछ थोड़े बहुत ऐसे अंदेशे नज़र आ रहे हैं और मैं उसको वेलकम करता हूँ, मेरी कोई ज़ाती लड़ाई तो किसी से है नहीं। अब जैसे एक तंजीम ने ऐसा भी कहा है कि वो अब दो बार से ज़्यादा उसमें कोई किसी ओहदे पे नहीं रहेगा, तो ये एक वेलकम बात है। पर बुनियादी बात ये है, जैसे अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चुनाव हो रहे हैं, बुनियादी बात ये नहीं है कि क्या तंजीम बन जाए, क्या तंजीम की बिल्डिंग पे कौन किसके हाथ में निज़ामत आ जाए, बुनियादी बात यह है कि वो तंजीम या वो एक बिल्डिंग या एक ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करेगी और वो किस तरीके से हिफाजती काम करेगी। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से कहीं ज़्यादा मुस्लिम समाज के पास, सिख समाज के पास और क्रिश्चियन समाज के पास तो हमसे भी कहीं ज़्यादा है, मुसलमानों से भी ज़्यादा, लेकिन मुस्लिम समाज के पास भी इस तरह की तंजीमें बहुत है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अवाम सवाल करे कि आप इन तंजीमों में बैठे हो, तो तंजीमों से ही सवाल करें, विपक्ष से ना करें। मैंने आपको विपक्ष का तो बता दिया ना, विपक्ष में जाके जो अपने में भी जो आपने बताया ना, जो मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर वो है, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी वो है। उनसे ज्यादा कनेक्शन है, उनसे ज्यादा समाज का कनेक्शन होता है ना। तो वो देखिए, अगर आप राहुल गांधी जी या अखिलेश जी से जाके सवाल करोगे तो क्या आप मिल पाओगे? लेकिन जो अपने ही समाज के लोग हैं, मैं इसलिए एक ये मैं अपने जहन से ऐसी तरकीबें बताने की कोशिश करता हूँ जो आसानी से की जा सकें। सिर्फ एक एक नारा या तकरीर करने का मैं शौक नहीं रखता हूँ, आवाज़ उठाने का शौक नहीं रखता हूँ। आवाज़ उठाने एक एक इशारा होता है, मतलब वो एक तो फिगरेटिवली स्पीकिंग होता है आवाज़ उठाना। आवाज़ उठाने का मतलब होता है कि कोई मजबूती से काम करके हिफाजत करने का जरिया निकाला जाए। सिर्फ मैंने बोल दिया, तकरीर कर दी और उससे ज़मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पार्लियामेंट में बोलने से अगर ज़मीन पे 0% फ़र्क पड़ता है तो पार्लियामेंट में बोलना काउंटर प्रोडक्टिव है। तो उससे क्या होता है कि पार्लियामेंट में बोल भी दिया लेकिन ज़मीन पे उसका उल्टा हो रहा है, तो जो ज़मीन पे जो सरकारी अधिकारी होते हैं उसका और उनका उनका हौसला और बढ़ता है कि पार्लियामेंट में बोलने के बावजूद भी हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो अगर पार्लियामेंट में मेरे ख्याल से उस सूरत में और दूसरी जगहों पे मेरे ख्याल से बोलना बंद कर देना चाहिए। जो हमारे लीडर जीत के गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ताकत पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं होती है, पार्लियामेंट से बाहर भी होती है, तो उनको ज़मीन पे आके हिफाजती निज़ाम पैदा करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, वरना बोलने में तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें जोश आ जाता है बहुत सारे लोगों के, क्या ज़बरदस्त बोला, ताली जैसे कवाली में या किसी शेर की दाद देने के लिए हम लोग ताली बजाते हैं, वैसे दिल करता है बजाने का, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो तंजीमी निज़ाम बनाने के लिए जिस तरीके से ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स तंजीमों में भी करना चाहते हैं, और इंडिया जो इस्लामिक सेंटर है उसमें भी बड़ी जद्दोजहद से इतने सारे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी देखिए बुनियादी बात क्या है, आप इस्लामिक कल्चर बचाओगे कैसे? ये बचाने की बात है ना, कल्चर को प्रमोट कैसे करोगे अगर बचाओगे? जब भी प्रमोट करोगे ना, बचाने के लिए जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में क्या कोई कैंडिडेट, मेरा ये मैं एक तरीके से कैंपेनिंग भी कर रहा हूँ उस कैंडिडेट की जो ये हैसियत और सलाहियत रखता हूँ, जो हिफाजत कर पाएगा इस्लामिक कल्चर की, जब ही तो आप प्रमोट करोगे जब आपकी सलाहियत होगी, आपकी हैसियत और औकात होगी, अगर थोड़ा कड़वा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँ, कि आप जो हमले आप पे होंगे या हो रहे हैं उससे दिफा करने के लिए आपके पास कुछ सलाहियत हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप लीडर बनिए, लेकिन ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए अपनी हिफाजत करने के लिए, अपनी तंजीमों की हिफाजत करने के लिए, जो सामने उन हमलों के सीना तान के खड़े रह सकते हैं। मेरा यही संदेश है, और जो जो भी इलेक्शन हो उसमें मैं यही गुजारिश करूंगा, सबसे पहली जो बुनियादी सलाहियत देखी जाए किसी भी इलेक्शन में, क्या यह इंसान इन नाजायज एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन के खिलाफ जो हमले जाके जो ये तंजीमें जो एंटी नेशनल तंजीमें हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी पे, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी पे, मुसलमानों पे, सिखों पे, क्रिश्चियंस पे, बौद्धों पे जो ये हमले कर रही हैं, इनको बचाने की सलाहियत है या नहीं है, ये एक पहली शर्त होनी चाहिए किसी भी इंसान के कहने से वोट देने पर, और या किसी भी इंसान को किसी भी जगह वोट देने के लिए। अगर ये काम भी हम शुरू करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फायदा होगा। मिल्लत की बड़ी बड़ी तंजीमें जो है अब मुसलमानों को लेकर के गौर फिक्र कर रही हैं इस चीज़ को, और जो सरकार है, विपक्ष है हुकूमत के सामने, उसको भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है प्राजा साहब, अभी जैसे कुछ मीटिंग्स हो रही हैं कुछ मिल्लत की तंजीमों की, कुछ तंजीमें नई भी बन रही हैं,
उसमें कहीं आप दिखाई नहीं दे रहे, आपको बुलाया नहीं जा रहा या आप जा नहीं रहे, क्योंकि आवाम की आवाज़ उठाते रहे हैं, मुस्लिम मसाइल भी उठाते रहे हैं आप, इसको किस तरह देख रहे हैं? मतलब ये एक जाती सवाल समझ लीजिए। देखिए मैं, मेरा जो निज़ाम है, मेरा एक ऑफिस छोटा सा ऑफिस है, मैंने अपनी हैसियत से बहुत बाहर निकल के अपने ऊपर बहुत हर तरीके का लोड लेके तन्हा अकेले बहुत सारे काम करने की कोशिश की, बहुत सारे चीज़ों में बहुत सारे रुख भी, हवाओं के रुख भी बदलने की कोशिश की और बहुत सारी जगह बदले भी, लेकिन इस वक्त मेरे ऊपर इतना ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, इतनी ज़्यादा काम का लोड आ गया है कि मैं सांस लेने की भी मोहलत नहीं पा रहा हूँ। ये ईवीएम की जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ या जिसके लिए आवाम ने मेरी जिम्मेदारी लड़ाई है, ये तो जड़ है ना। अगर ये सरकार 400 पार चली जाएगी, ये सरकारें 400 पार आराम से जा सकती हैं, 500 पार भी जा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर ये नहीं रोका तो। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा मेरा ऑफिस है, छोटे से मेरे बहुत छोटे, और मैं तो किसी से ना कोई मुझे फाइनेंशियल हेल्प करता है ना कोई दूसरी तरह की हेल्प करता है, तो मुझे इतनी सलाहियत जितनी है उससे कहीं बाहर निकल के मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं जितना कर पाऊँगा उतना करने के लिए आज भी तैयार हूँ। कोई भी मुझे अब भी अगर बुलाएगा तो हमने अपना एक फॉर्मूला बनाया है जिसमें हम किसी भी जगह कोई भी ज्यादती होती है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आज भी मैं अब भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए पहले काम करूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ। अब इसके लिए मुझे कोई गाली देना चाहता है या अच्छा समझना चाहता है, ये उसके लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए मैं मुसलमानों से पहले काम करूंगा आज भी, क्योंकि वो ज्यादा बड़े मुस्लिम है। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी मैंने 40% काम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया और मैं आगे भी करता रहूंगा और मेरी खिदमत हाजिर है। लेकिन अब थोड़ा लोगों को भी एक तंजीम बना के किसी भी इलाके में कोई भी, मेरी गारंटी फिर आई है, मोदी की गारंटी नहीं, मेरी, किसी भी इलाके में कोई भी परेशानी है तो डरे मत, और मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं डरो मत, हम आके सफ़े पलट देंगे जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन अब थोड़ा मेरी सेहत को भी बहुत फर्क पड़ा है, सब लोग देख भी रहे होंगे, तो मैं ये चाहता हूं तो हम सिस्टमेटिक तरीके से काम करें, आए मेरी तंजीम जो है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हिस्सेदारी लें, उसमें अपनी पोस्ट लें, अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी लें, लेकिन सफ़े पलटने का काम हम लोग करने के लिए आज भी तैयार हैं, मरते दम तक रहेंगे। जो जालिम हैं उनकी सफ़े पलटने के लिए, जो इंसाफ बराबरी के खिलाफ काम करते हैं उनकी सफ़े पलटने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे कैपेसिटी दी है, जो संविधान के खिलाफ काम करते हैं उनकी सफ़े पलटने की तौफीक मुझे अल्लाह ताला ने दी है, मैं तैयार हूँ। लेकिन थोड़ा मेरे लिए भी आप लोगों को समझना चाहिए कि मेरी लिमिटेशंस, अब मेरे नाक तक पानी आ गया, इतना काम है, मैं यही कह सकता हूँ। अभी अलीगढ़ में जो लिंचिंग हुई उसके कुछ लोग पहुंचे आपके पास, उसमें क्या? नहीं पहुंचे, आए सफ़े पलट देंगे, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सफ़े पलट देंगे, महीनों में नहीं। अभी मैं मरा नहीं हूँ, मसरूफ ज़रूर हूँ, मरा नहीं हूँ, और ये बात मैं RSS और BJP के और उन सभी देशद्रोही ताकतों को बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं मरा नहीं हूँ, ये ध्यान में रखें। सिर्फ ये है कि मैं काम में ज़्यादा डूब चुका हूँ, थोड़ा सा भी सांस लेने की मुझे मौका मिलेगी तो मैं फिर आऊँगा, लेकिन अगर तंजीमी निज़ाम मेरा मजबूत किया जाएगा तो मैं अब भी सिस्टम बना सकता हूँ इन सब चीज़ों को।